हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार अजक। माय यूट्यूब चैनल पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स भूलिएगा नहीं, और मैं आपको यह जानकारी दूंगा फ्रेंड्स, मेरा हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां विजिट करके मेरा हर एक दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स भूलिएगा नहीं। तो चलिए अब पढ़ते हैं। LCM हम लोग पढ़ रहे हैं। LCM, L का मतलब होता है लोअर, C का मतलब होता है कॉमन, M का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, इसका हिंदी नाम हुआ लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक यानी शॉर्ट में बोलते हैं इसे लसर। चलिए हम लसर निकालना सीखते हैं। कहता है यहाँ 2, 4, 6 का लसर निकालना है, तो 2 लिख लेंगे भाग की ओर, 4, 6। अब इसको इस तरह से कर लेंगे और काटेंगे। कम से कम पहले हम 2 से काटेंगे, 1 से काटेंगे तो सब कट जाएगा, लेकिन 1 से काटने से रिजल्ट सरन सही से आएगा, क्योंकि कटना चाहिए, कम से कम 2 कटना चाहिए तभी अच्छा रहता है। 1 से काटेंगे तो तीनों का तीनों कट जाएगा, है ना। हम 2 से काटेंगे, लास्ट में 1 से काटते हैं। ठीक है, चलिए तो 2 से काटे हम, तो 2 एकम 2 भागा लगा रहे हैं, 2 एकम 2 कितना आया, 1 बार में। अब इसको काटेंगे, 2 दूना 4 कितना बार में आया, 2 बार में, तो 2 दूना 4 ये कितना, 2 तिया 6 कितना बार में, 3 बार में कट गया पूरा पूरे। चलिए अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, अब देखिए इसको 2 1 से लगाएंगे तब ना पूरा कटेगा, 1 1 2 3 नहीं उतना एक उतना है, 1 से लगाइए या ना लगाइए उतने ही बात है, क्लियर हो गया। अब इसका जो है छोटा अलग से जो भी है दोनों साइड से, इधर का और इधर का, सबको एक लाइन में लेके गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 हो गया 1 हो गया फिर 1 हो गया फिर 2 हो गया फिर 3 हो गया। अब सबको गुणा करेंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूना 4 और 4 तिया 12 कितना आ गया इसका उत्तर, 12। यही हो गया इसका एलसीएम। 2, 4, 6 का एलसीएम कितना हो गया, 12। क्या हो गया, क्या हो गया, लोअर कॉमन फैक्टर, लोअर कॉमन मल्टीपल, लोअर कॉमन मल्टीपल का एलसीएम इस कितना हो गया टोटल, 2, 4, 6 का, यानी सबका मल्टीपल मतलब तो गुना, सबका गुना करना है भागा लगा के, इसमें से कम संख्या से लेते हुए तो आंसर मिल गया आपको। इसी प्रकार चलिए हम अगला करेंगे, यही हो गया 12 लघुत्तम समापवर्तक। अगला फिर करेंगे 3, 9, 12 देखेंगे इसमें कि कौन कटने वाला, कम से कम 2 2 देख लेंगे, कुछ माइंड में भी काम करेंगे ना, कितना से लगाएंगे कि 2 कटना चाहिए, तो 2 से लगाएंगे तो कटेगा 2, नहीं कटता, 1 ही कटता है। 3 से लगा देखते हैं, 3 एकम 3 कट गया, 3 3 9 कट गया, 3 चौका 12। अब मर्जी है तो 1 से लगाइए, नहीं तो सेम इतना ही आ जाएगा, 1 से लगाइए ना लगाइए उतने बार, तो इसका गुना 3 गुना 1 गुना 3 गुना 4 3 एकम 3 3 3 9 9 चक 36 कितना आ गया, 36 आ गया इसका एलसीएम। क्या आ जाएगा, 36। कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसका उत्तर कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई समस्या है ही नहीं, आराम से कर सकते हैं एलसीएम। इतना बड़ा संख्या क्यों ना आए, कम से कम शुरुआत जिससे हम कर रहे हैं काटने वाला, 2 कटना चाहिए कम से कम, 2 कटे, बाकी बाद जैसे जैसे कटेगा, जिस संख्या से कटेगा, जिस अंक से कटेगा, उसको हम लगाते हुए जाएंगे और लास्ट में सबको एक जगह समरी करके गुना कर लेंगे। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, और जो आएगा गुना करके वही उसका टोटल प्रश्न का, इस प्रश्न का नहीं मतलब इस प्रश्न में जैसे इसका उत्तर आया 36 तो 36 हुआ, और जिस तरह का प्रश्न रहेगा उसका उत्तर जो आएगा वो रहेगा। चलिए और प्रश्न का हल करते हैं। 4, 8, 16 है,
चार लिखेंगे, आठ लिखेंगे, 16 लिखेंगे। चलिए हमको लगाना कम से कम संख्या क्या, कम से कम अंक एक से लगाएंगे तो तीनों कट जाएगा, कम से कम हमको दो से लगाएंगे, दो लगाएं तो दो चक दो दुना चार, दो चौका आठ, दो अठे 16। चलिए फिर लगता है दो कटेगा, हाँ फिर लगता है, दो दुना चार, दो एकम दो, दो दुना चार, दो चौका आठ, फिर देखिए लगेगा, जब तक पूरा कटते रहे जब तक लगाते जाएंगे, दो एकम दो, नहीं कटा इसमें तो नहीं है कटे, दो एक कम दो, दो दूना चार, दो कटना चाहिए कम से कम, लास्ट में दो पे कटना चाहिए। अब देखिए सबका समरी कर लेंगे, दो गुना दो गुना दो, तीन आया, फिर एक गुना एक गुना दो। अब सबको काउंटिंग करके गिन लेंगे, क्या मतलब गुना कर लेंगे एक दूसरे को मिला, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ एकम आठ, आठ एकम आठ, आठ दूना 16, कितना आ गया 16। यही इसका हो गया LCM टोटल। कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, कीजिएगा तभी होगा, नहीं कीजिएगा तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं, ठीक है ना। कर सकते हैं आप, करिए, करिएगा तो होगा, 5 मिनट भी समय निकालिएगा तो आराम से कर लीजिएगा। मेरे वीडियो को देखिए, हम बहुत ही सरल ढंग से और सटीक ढंग से बता रहे हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है ना। तो चलिए अब अगला प्रश्न आप समझ लेते हैं, हो गया ना। इसका एलसीएम कितना है, इसका 4, 8 और 16 का आंसर कितना हो गया 16, कितना हो गया 16 एलसीएम, क्या कितना आ गया एलसीएम 16 एलसीएम आ गया। चलिए अब अगला प्रश्न को हम करते हैं, यहाँ आइए, 8, 9 और 24, तो 8, 9, 24 तो कोमा रखिए, अलग अलग रहता है। चलिए दो से लगाएंगे कटेगा, हाँ जी कट जाएगा, दो चौका आठ, ये नहीं लगा, जितना नहीं लगेगा जितना रहेगा उतने उतर जाएगा, ठीक है। 12 दुना 24 यानी 12 दुना 24 या 2 गुना 12 कीजिएगा तो 24 आएगा। फिर देखिए दो से लगाएंगे, दो से लगा, दो दूना चार, 9 का 9 रह जाएगा, 2 छक्का 12 कट गया। फिर देखिए दो से लगाएंगे, दो एकम दो, 9 का 9 रह जाएगा, 2 3 6 कट गया। अब देखिए और कोई अगला संख्या से कटता है, ये तो नहीं कटेगा दो से, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। चलिए आगे देखते, 3 से कटता है, 3 एकम हाँ ये कट जाता है, ये भी कट जाता है, तो 3 ये 1 का 1 ही रह जाएगा, और ये 3 3 9 हो गया ना, 3 एकम 3। अब और कटेगा ना, 1 से लगा या नहीं लगा उतने बात, तो ये सब का एक साइड से गुना कर लीजिए, 2 दुना 4 दुना 8 या 24 या 72 सब गुने हो जाएगा, सब गुना सब गुना सब गुना सब गुना सब गुना सब गुना, कितना आंसर आ गया, 2 दुना इसका इससे गुना किए, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 8 3 24 आ गया, 24 एकम 24, 24 3 72, 72 एकम 72 आंसर क्या आ गया 72। एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम आ गया 72। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए एक प्रश्न को और हम आपको हल करते हैं, इसका आंसर यहाँ लिख दीजिए बलग में कि इसका आंसर 72 LCM आएगा, LCM, ठीक है। चलिए एक प्रश्न को हम और हल करके देते हैं आपको, यहाँ क्या कहता है, 7, 8 और 63 कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 1 ही लग रहा है ना। तो चलिए 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 7 नंबर 63 हाँ 1 लग जाता है, तो डायरेक्ट 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7 या 8 के 8 रह जाएगा, 7 का 12 7 का 7 7 14 7 21 7 35 7 42 7 49 7 75 7 63 7 69 63 9 बार में पूरे लग गया। अब इसका क्या करेंगे गुना, 7 गुना 1 गुना क्योंकि अब लगने वाला है ही नहीं, 8 गुना 9 7 एकम 7 7 8 56 और 56 में 9 से गुना कर दीजिए,
नौ छक चौवन के चार, बाकी बच गया नौ छक चौवन के चार, बाकी बच गया पाँच, नौ पचे पैंतालीस और पाँच पचास, तो टोटल कितना आ गया इसका एलसीएम 504। कितना आ गया आंसर, एलसीएम कितना आ गया 504। सिंपल है, पूरे का गुणा कर दीजिएगा वही इसका उत्तर आ जाएगा। एक बार और चेक कर लीजिए इसको, सात आठ तिरसठ है, सात एकम सात, ठीक है सात नहीं लगा आठ के आगे हो गया सात नमा तिरसठ, अब सात अठे छप्पन, छप्पन गुना नौ किए तो नौ छप चौवन के चार, बाकी बच गया पाँच, नौ पचे पैंतालीस और पाँच पचास, तो 504 एलसीएम इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, कर लीजिएगा, करिएगा तभी होगा, नहीं करिएगा तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना मेरे फ्रेंड्स। चलिए तो कुछ प्रश्न आप भी हल कीजिए, आपके लिए हम लाए हैं। चलिए इसको आप अपने मोबाइल पीसी जो भी हो इसको आप लोड कर लीजिए पाउच करके, या मोबाइल से डायरेक्ट आप पाउच करके प्रश्न को उतार लीजिए अपने कॉपी में और बनाइए। सिंपल है, जिस प्रकार से हम किए हैं उसको आप करिए, हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप पीछे वीडियो को रिवाइंड करके रिप्ले करके इसको देख सकते हैं। चलिए प्रश्न को नोट करिए, चलिए देखिए प्रश्न आपको अच्छा से दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, थैंक यू, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल का घंटा बजा दें, वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय।